जो मीटिंग की जाती है, मैंने बताया, वो क्या कहलाती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्लियर है मेरी बात बच्चों? नॉर्मली अथॉरिटीज हम अलॉट कर देते हैं मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को। ओनर, ये याद रखिए, ओनर कौन है? वो मेंबर्स है। ओनर कौन है? मेंबर्स है, जो नॉर्मली शेयर होल्डर होते हैं। डायरेक्टर्स कौन है? जो वर्किंग में रहते हैं, जो वर्क करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। अब सवाल ये होता है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है जहां पर मेंबर और शेयर होल्डर में फर्क हो जाए? जो रिटन में रिकॉर्ड है वो मेंबर का है, शेयर होल्डर का रिटन रिकॉर्ड इतना होता है कि साहब इसके नाम इतने शेयर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के पास, कंपनी की कैपिटल है 10,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। आपको पता है हर शेयर का एक सीरियल नंबर होता है। जैसे मान लीजिए 50 शेयर के लिए आस्था ने अप्लाई किया, तो आस्था को नंबर अलॉट होगा 1 से लेकर 50 तक शेयर। जो शेयर सर्टिफिकेट आएगा उसको लिखा होगा आस्था, जो पूरा नाम इसका, कितने शेयर्स की मालकिन है ये, 50 शेयर की। उनका स्पेसिफिक नंबर क्या है लिखा होगा 1 से लेकर 50 तक। उसके बाद अलॉटमेंट किया गया भूमिका को 100 शेयर, तो भूमिका के शेयर का नंबर होगा 51 से लेकर 150 तक। तो स्पेसिफिक नंबर होता है शेयर का। अभी ये मान के चलो कि शेयर और शेयर कैपिटल में फर्क क्या होता है कि एक 100 किलो का बोरा है चीनी का, चीनी भरी हुई है, दैट इज कैपिटल, और इसके हमने 1-1 किलो के पैकेट बना दिए, दे आर शेयर। वो उतने के पैक बंच में बिकेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो 100 किलो का बोरा है, या एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि टोटल हमारे पास 1 लाख किलो चीनी है। 1 लाख किलो, मैं कैपिटल के रूप में बात कर रहा हूँ। हमने 10-10 किलो के पैकेट बना दिए। कितने पैकेट हो गए? 10,000 पैकेट हो गए। अब वो कोई लेगा तो 10 किलो का पैकेट लेगा, यानी मल्टीपल जो होगा वो 10 के मल्टीपल में ही होगा। जो पैसा देगा कैपिटल के रूप में, तो वो उतना पैसा ले जाएगा, दैट इज कॉल्ड शेयर्स। पार्ट उतने के आप मालकिन है, उतने पार्ट का आपको वोटिंग राइट है। मान लो रिलायंस में, जैसे रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, करोड़ों की कैपिटल है, अरबों की कैपिटल है, उसमें मान लो भूमिका ने 10 शेयर ले लिए, तो भूमिका भी उसमें पार्टनर हो गई, ओनर हो गई रिलायंस की। अभी क्या हुआ कि बोर्ड मीटिंग हो गई हमारे पास, काम कौन है? शेयर होल्डर। अब सवाल ये था, जो हम मेन पॉइंट था, कि कहाँ पर ऐसा होता है कि डिफरेंस होता है शेयर होल्डर में और मेंबर में। एक बात याद रखिए, जो मीटिंग होती हैं, उनका जो नोटिस जाता है, उसका नोटिस जाता है मेंबर को, शेयर होल्डर को नहीं जाता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अभी तो आप कह रहे हैं कि मेंबर और शेयर होल्डर एक ही है, फिर नोटिस मेंबर को जाए, शेयर होल्डर को जाए। देखिए मतलब क्या है कि जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा होगा, नोटिस उसी को जाएगा। एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेते हैं। वंशिका के पास रिलायंस कंपनी के 1,000 शेयर है, तो वंशिका का नाम लिखा होगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रिलायंस के, कि वंशिका है, इसके पास इतने शेयर है। 1 सितंबर को, 1 सितंबर को मैंने वंशिका से डील किया, वंशिका वो शेयर आप मुझे खरीदने हैं आपके, वंशिका ठीक है सर मैं भेज देती हूँ शेयर आपको। और एक ट्रांसफर फॉर्म मैंने बताया था, फॉर्म क्या होता है? फॉर्म एक एक फॉर्मेट होता है किसी चीज के लिए, ताकि हमें बार बार चीजें पूछनी ना पड़े। ये सेट चीजें हैं, सेट चीजें किसी कागज पर लिख दें, दैट इज बिकम द फॉर्म। यही तो होता है एग्जामिनेशन फॉर्म। क्या है? एक सेट पैटर्न है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है आपको कॉलेज को, ठीक है। तो वो फॉर्म भरा, 1 सितंबर को ही फॉर्म भरा, मेरे भी साइन हो गए, वंशिका के भी साइन हो गए। और वो फॉर्म साइन करके मैंने भेज, वंशिका ने भेज दिया कंपनी को। कंपनी के पास पहुंचता है वो 4 तारीख को। 4 तारीख को कंपनी के पास आया, उन्होंने कहा ठीक है 1-2 दिन में उसको कर देंगे फाइनल। 10 तारीख तक वो फॉर्म मेरे पास आया कि हाँ भाई शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम आ रहा है, शेयर आपके नाम ट्रांसफर हो गए। 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ये डिसीजन बिल्कुल रहेगा कि कौन मेंबर कौन शेयर होल्डर। 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ये देखो ध्यान से, मेरे पास शेयर कब आ गए? 1 तारीख को आई बिकम शेयर होल्डर। आपके पास 10 तारीख को आए थे ना? सर शेयर फॉर्म तो मैंने साइन कर दिया, शेयर तो उसने ट्रांसफर कर दिया 1 तारीख को ही मेरे पास। मेरे पास 10 तारीख को तो शेयर सर्टिफिकेट आया है केवल। अच्छा,
तो 1 तारीख को ही मैं शेयर होल्डर बन गया, लेकिन मेंबर कब बनूंगा? जब मेरा नाम रजिस्टर में चढ़ जाएगा। तो 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक मैं क्या हूं? शेयर होल्डर हूं, मेंबर नहीं हूं। और वंशिका क्या है? मेंबर है पर शेयर होल्डर नहीं है, राइट? तो रजिस्टर में नाम उसने काट के 10 तारीख, कंपनी 10 तारीख काट के मुझे मेरा नाम लिखा। अब इस बीच में मीटिंग हो जाती है, मीटिंग का नोटिस जाता है, तो किसे जाएगा? वंशिका को जाएगा। लेकिन वास्तव में ये ओनर नहीं है, ओनर तो मैं हूं, पैसा दे चुका, शेयर शेयर में खरीद चुका। तो मीटिंग में वंशिका ही जाएगी, लेकिन मेरे बिहाफ पे जाएगी। वो सारे डिसीजन वो लेगी जो मैं बताऊंगा, जो वो सारे डिसीजन वो लेगी जो मैं बताऊंगा। गेटिंग माई पॉइंट? सारी डिसीजन वो लेगी जो मैं बताऊंगा। अब इसी बीच में मान लो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी कंपनी, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो वो डिविडेंड भी वंशिका के पास जाएगा, लेकिन वंशिका रिसीव करेगी ऑन माय बिहाफ और मुझे वापस करेगी। क्लियर हो गई बात? इतनी नाम सुना आपने? शेयर वारंट सर। सुना है? किस किसने सुना है? वंशिका सुना है आपने बेटा? कैसा सुना है क्या होता है शेयर वारंट? जो सुना है वो बताओ। सर कुछ शेयर होल्डर्स का राइट होता है कि वो शेयर्स क्लेम कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, होता है शायद। नहीं नहीं और कोई किसी को कुछ पता हो, आइडिया हो? बेटे शेयर सर्टिफिकेट वो होता है जिस पर नाम लिखा होता है शेयर होल्डर का, कि ये इतने शेयर की मालकिन या मालिक ये है। शेयर वारंट वो होता है जहां पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, जस्ट लाइक ए बेरर डॉक्यूमेंट। शेयर सर्टिफिकेट मान लो वंशिका के पास है और उसे बेचने हैं शेयर मुझे, तो वो प्रॉपर फॉर्मेलिटी होगी, फॉर्म भर के भेजेगी, सर्टिफिकेट साथ में लगाएगी, कंपनी सर्टिफिकेट चेंज करके देगी, मेरे नाम भेजेगी। लेकिन शेयर वारंट इज जस्ट लाइक ए बेरर डॉक्यूमेंट, एक करेंसी नोट। जिसको बेच दिया उसका हो गया, जिसके हाथ में पहुंच गया उसका हो गया, जिसकी लाठी उसी की बहन। जिसके हाथ में है वो डॉक्यूमेंट, वो जैसा लाइक करेंसी नोट भाई। जो चेक में वो फर्क हो गया, चेक में कैश में फर्क हो गया, वही फर्क हो गया शेयर सर्टिफिकेट में और शेयर वारंट में। जिसके हाथ में हो जाएगा वही उसका मालिक हो जाएगा। तो अब जब शेयर वारंट आ जाएगा तो शेयर वारंट पर नाम तो किसी का लिखा ही नहीं होगा, कौन मालिक है? तो उतने शेयर्स के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ब्लैंक छोड़ा होगा, कौन पता नहीं किसके हाथ में मालिक कौन है। भाई शेयर सर्टिफिकेट तो मालूम है ना किसके हाथ में शेयर सर्टिफिकेट, किसके नाम है शेयर, वारंट में पता ही नहीं है। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में वो स्पेस ब्लैंक छूटा होगा उतने शेयर्स के लिए। तो नाउ द होल्डर बिकम द शेयर होल्डर, नॉट द मेंबर, क्योंकि रजिस्टर मेंबर नाम ही लिखा है उसका, तो वो क्या है? केवल शेयर होल्डर है, राइट? मेंबर नहीं है। और जैसे ही हम जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स जो है हमारे 2 लोग हैं, उन्होंने कहा था कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो, तो वो लोग जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी बिकम द मेंबर नॉट द शेयर होल्डर। श्रेया गुप्ता का मैसेज आ रहा है बच्चा, 1 सेकंड। हाँ जी पूछो। तो उस वक्त जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उस वक्त वो मेंबर बन गए दोनों लोग, और जब तक शेयर अलॉट नहीं होंगे उनके नाम, तब तक दे आर मेंबर्स नॉट द शेयर होल्डर्स। जब शेयर अलॉट हो जाएंगे दे ऑल्सो बिकम द शेयर होल्डर। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है अपने को? कोई कंफ्यूजन है बच्चों यहाँ तक किसी को? शेयर वारंट नहीं हुआ क्लियर? शेयर वारंट क्लियर नहीं हुआ। जैसे देख शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, उस पर लिखा होता है शेयर सर्टिफिकेट क्या हुआ। जैसे मान लो तुमने शेयर अप्लाई, मैं कंपनी हूँ,
और तुमने मेरे से शेयर अप्लाई किए 100 शेयर, तो तुम्हें सर्टिफिकेट दूंगा कि भैया तुमने पैसे दिए मुझे, तो कुछ तुम्हारे पास होना चाहिए प्रूफ कि तुम शेयर होल्डर हो, तो मैं तुम्हें एक सर्टिफिकेट दूंगा कागज, उस पर लिखा होगा खुशी जैन शेयर नंबर 400 से 400 इस तारीख को। अभी तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट हो गया, अब ये डॉक्यूमेंट तुमसे कोई भी छीन के ले जाए और शेयर तो तुम्हारे पास ही रहेंगे, कंपनी के रिकॉर्ड में क्या है, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है लेकिन शेयर वॉल्यूम पर नाम नहीं लिखा होगा, शेयर्स नंबर लिखे होंगे नाम नहीं लिखा होगा, तो जिसके हाथ में पहुंच गया वो मालिक हो गया, लाइक करेंसी नोट, ठीक है, अब क्लियर हुआ। तो वो जिसके हाथ में, जिसके हाथ में शेयर है, वो शेयर वॉरंट है, ही इज जस्ट ओनली, श्रेया आ गई, ही इज जस्ट ओनली अ शेयर होल्डर नॉट द मेंबर। क्लियर हुई बात बच्चे? यस सर। आगे बढ़ते हैं। शेयर वॉरंट दे रहा होगा जो, तो उसी का नाम तो होगा सर उसके अंदर, रजिस्ट्रार के अंदर। सपोज मैंने आपको शेयर दिए अपने, तो मैंने आपको अपने शेयर वारंट दिया, तो फिर उसमें नाम, मैंने आपका नाम नहीं लिखा उसमें, पर कंपनी उसमें तो मेरा नाम नहीं, कंपनी में सिर्फ ये लिखा होगा रजिस्टर में कि इस नंबर से इस नंबर के हमने शेयर्स के लिए शेयर वारंट इशू किया हुआ है, मालिक कौन है पता नहीं। अब तुम्हारा क्वेश्चन जो बनना चाहिए था वो ये आना चाहिए था मेरे पास आपकी तरफ से कि सर जैसे अभी आपने बताया कि डिविडेंड उस आदमी को मिलेगा जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है, ये तो बताया था मैंने अभी, उसके एड्रेस पे जाएगा, किसी का एड्रेस ही नहीं लिखा हुआ है तो उसे डिविडेंड कैसे मिलेगा? तो बच्चों उसको डिविडेंड ऐसे मिलेगा कि जिस समय कंपनी शेयर वारंट इश्यू करती है तो उस कंडीशन में कंपनी न्यूज़पेपर में अनाउंस कर देती है कि भैया कंपनी इस तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर करेगी इतना डिविडेंड, और ये इस बैंक जिनके पास शेयर वारंट है अपना एविडेंस दिखाएं और इस बैंक से जाके डिविडेंड लिया है, इस तरीके से वो डिविडेंड आता है। पर आज की तारीख में सब कुछ ऑनलाइन हो गया, प्रैक्टिकली शेयर वारंट इश्यू करना इज जस्ट टू इम्पॉसिबल, सब कुछ ऑनलाइन है आज, तो घर बैठे बैठे सब काम हो जाते हैं, शेयर भी घर बैठे आ जाते हैं, शेयर भी घर बैठे बैठे आ जाते हैं। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे, पहला पॉइंट था, मैंने पूछा क्वेश्चन था कि वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो मैंने लिखवाया आपको नो वन कैन बी एनफोर्स टू बिकम अ मेंबर इन द कंपनी, किसी भी मेंबर को जोर जबरदस्ती से, किसी भी पर्सन को जोर जबरदस्ती से मेंबर नहीं बना सकते। अभी मैंने जो क्वेश्चन किया था कि मान लो मिस्टर एक्स के नाम शेयर थे रिलायंस के और वो मर जाते हैं, और लिखा हुआ है अपनी बिल में लिखा हुआ है कि भाई मेरी मरने के बाद मेरी सारी असेट मेरे बेटे को मिलेगी, तो क्या बेटा मेंबर बन जाएगा? नो, एक्स की डेथ होने के बाद बेटा कंपनी को इन्फॉर्म करेगा डेथ सर्टिफिकेट लगा के, सब मेरे पिता मर चुके हैं और उनकी विल के अकॉर्डिंग मैं मालिक हूं, तो सिर्फ उसने ये बताया है कि मैं मालिक हूं, उसने अभी ये नहीं बताया कि वो मेंबर बनेगा या नहीं, तो कंपनी उसको टाइम देती है कि ठीक है फादर आपके डेथ हो गई, आप मालिक हो, मेंबर नहीं हो अभी, तो आप ये डिसाइड करो आपको क्या करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हमें कंफर्म करो कि यू आर रेडी टू बी ए मेंबर, तो हम आपके पिता का नाम काट के आपका नाम लिख लेंगे रजिस्टर में, या अगर आप मेंबर नहीं बनना चाहते हैं तो आप शेयर बेचना चाहते हैं, और अगर बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, आप ट्रांसफर फॉर्म पर साइन करेंगे लाइक ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ऑथराइज सिग्नेटरी अपने फादर के बिहाफ पर, और जो वो शेयर खरीदेगा ही बिकम्स अ मेंबर, ही और शी बिकम्स अ मेंबर्स, राइट, और बेटा नहीं रहेगा। तो यानी कि बेटे के पास ऑप्शन है, डायरेक्टली मेंबर नहीं बनेगा वो, उसके पास ऑप्शन होगा कि मेंबर बने या ना बने। क्लियर इतनी बात बच्चों? क्लियर? ओनर तो ऑटोमेटिकली बन सकता है ना? ऑटोमेटिकली नहीं बन सकता सर, मेंबर कंपनी ऑटोमेटिकली बनेगा, ओनर ओनर सर, ओनर ओनर रहेगा वो, क्योंकि उसे एज ए एस्टेट मिली है, फादर की प्रॉपर्टी मिली है, लेकिन वो उसके नाम चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी वो तो वो डिसाइड करेगा ना बेटे।
एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलो, अगर किसी का घर है, घर की किसी के फादर के नाम है, फादर की डेथ हो जाती है, तो पहले बेटे के नाम ट्रांसफर एग्रीमेंट होगा ना, बिल के अकॉर्डिंग राइट है उसका, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के लिए तो उसे नाम करना पड़ेगा, तभी तो वो आगे बेच पाएगा उस एसेट को। शेयर्स में वही की वही कंपनी ऑप्शन दे देती है कि आप अपने नाम ट्रांसफर मत कराओ, आप बेच सकते हो अगर आपको बेचना है तो। एग्रीड। अब एक कहानी। हाँ जी बेटा। सर सपोज इस केस में एजीएम होती है तो? एजीएम होती है डेथ होने के बाद, उसके बाद देखिए हाँ। अगर डेथ होने के बाद एजीएम होती है तो पिता के बिहाफ पे कैसे आ जाए, पिता ही नहीं है तो मीटिंग में कोई नहीं आ सकता, यानी कि मिस्टर एक्स के पार्ट पर कोई भी नहीं आएगा। जब हाँ, अगर बेटा ये कह दे कि सब मैं तैयार हूँ, मेंबर बन जाए तो ही आएगा। बेटे ने कह दिया कि मैं मेंबर बनने को तैयार हूँ, लेकिन अभी शेयर अभी रजिस्टर मेंबर में नाम नहीं चढ़ा है उसका, तो वो मीटिंग में आ तो सकता है, सुन सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता। बोल का मतलब अपनी राय नहीं दे सकता, अपना वोट नहीं दे सकता वो। ठीक है, आशी नींद आ रही है? मेरी क्लास में बुरी तो नहीं आ रही? मैंने कहा लगा मुझे बुरी तो आ रही है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा टॉपिक था सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो इस पे एक क्वेश्चन, एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा? कि कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्क्राइब। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर 3 नंबर का है तो हेडिंग से आंसर करना है, और अगर 6 नंबर का है तो थोड़ा डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। अब सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है? तो जो करेक्टरिस्टिक्स है ना कंपनी की, वो सारी की सारी मेंशन करनी है। पहली करेक्टरिस्टिक क्या होगा कंपनी की? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में लिखवा दिया। क्या लिखवाया? कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मेंबर्स आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी, एंड कंपनी इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द मेंबर। दिस वाज डिसाइडेड इन द केस ऑफ सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी। एक बात याद रखना, अगर आप ये वहां पर लिख रहे हो दिस वाज डिसाइडेड इन केस ऑफ, केस का नाम डाल रहे हो आप, अब आपको ये तो याद आ रहा है सैलोमन का नाम का केस था, लेकिन पहले कंपनी का नाम लिखा था कि पहले सैलोमन का लिखा था, ये याद नहीं आ रहा आपको? देखो भैया बड़ा अंतर है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी में भी अंतर है, केस कौन फाइल कर रहा है, नाम कहाँ आता है। ठीक है ना, तो सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी, तो आप फिर इतना लिखना एस डिसाइडेड इन केस ऑफ सैलोमन, गलत नहीं लिखना है, जितना याद है उतना लिखना है। ठीक है ना बेटे, ये पॉइंट क्लियर है अपने को। दूसरा है पर लिमिटेड लायबिलिटी। देखिए कंपनी जो होती है दो तरह की होती है, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी जस्ट लाइक अदर मेंबर्स अनलिमिटेड होती है, सेक्शन 2 क्लॉज 92 में डिफाइंड है। अनलिमिटेड होती है यानी कि सारे मेंबर लायबल होंगे लायबिलिटी के लिए, पर्सनल असेट से भी। लेकिन लिमिटेड कंपनी में जो मेन ब्यूटी है कंपनी की, वो यही है कि इट हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी। तो देख गरिमा, सोई 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 सोई, इतना खराब नहीं पढ़ा रहा मैं, इतना खराब नहीं करा रहा मैं, सो मत बिल्कुल भी, है ना। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हुआ कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, दो तरीके से लिमिटेड होती है, सुन लो बच्चों। एक होती है लिमिटेड बाय शेयर, एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है? श्रेया ने गर्दन हिलाई बहुत जोर की, पढ़ा है ना? Yes, तो श्रेया बताइए क्या पढ़ा है? सर लिमिटेड बाय शेयर्स में जो उनकी शेयर्स वैल्यू अनपेड रह जाती है सिर्फ उसके लिए ही लायबल होते हैं वो लोग। अच्छा। और लिमिटेड बाय गारंटी, हाँ गारंटी में जो उनकी गारंटी उन्होंने दी होगी बस उसके लिए ही लायबल होंगे। कब कब देना है पैसा दोनों केस में? कंपनी डिसॉल्व हो रही होगी दोनों केस में। शेयर वाला कभी भी लिख सकते हैं। मैं मेरी बात सुनो, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है, मेरे लिए आप बिल्कुल जीरो, और जितना आप बता रहे हो वो आपका बेनिफिट है, मुझे लग रहा है कुछ आप एडिशनल दे रहे हो, तो जितना आता है वो बताओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जो आपने पढ़ा है वो बताओ।
ठीक है तो गारंटी का कंफर्म नहीं है, बट जो शेयर्स वाली होती है उसमें तो जब डिसॉल्व हो रही होती है तभी देना होता है। अच्छा देखो ये बिल्कुल अच्छा, बाकी ने भी यही पढ़ा है क्या? नहीं सर, शेयर वाला तो कभी भी मांग सकते कंपनी। देखो एक चीज क्लियर करो, गारंटी का नहीं होता। एक चीज क्लियर करो कि जैसे 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने केवल 7 रुपए लिए हैं, तो कंपनी आपसे केवल 3 रुपए क्लेम कर सकती है जो बचा हुआ है, और 3 रुपए कंपनी कभी मांग सकती है, लॉस नहीं है तब भी मांग सकती है कंपनी, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप वो आपको देना ही देना है, ठीक है। लेकिन गारंटी कंपनी में जितना अमाउंट अंडरटेकन है, मतलब जितनी गारंटी दी है वही मांगा जाएगा, वो भी ओनली एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप और वो भी ओनली इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस नहीं है तो नहीं मांगेगी कंपनी मेंबर से पैसा, क्यों मांगेगी जब लॉस ही नहीं है? तो लॉस होगा तभी मांगा जाएगा, और केवल बाइंडिंग अप के टाइम पर, लाइफ टाइम में वो पैसा नहीं मांगा जा सकता। ये बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन? मैं इतना गारंटी अमाउंट कितना होता है? गारंटीड बेटा क्या कह रहे हो आप भूमिका? गारंटी में अमाउंट कैसे निकाला जाता है? ये देखो ये डिसीजन जो लेते हैं वो डिसाइड करते हैं डायरेक्टर्स। देखो कई 2-3 डिसीजन ऐसे हैं जो डायरेक्टर्स के हाथ में होते हैं जिसमें मेंबर्स नहीं बोल सकते। एक तो होता है डिविडेंड डिसीजन, और एक तो होता है अमाउंट अंडरटेकन की बात। जब डायरेक्टर पूछते हैं कि इतने अमाउंट की हमें चाहिए, इतने से इतना कर सकते हैं, पर वो डिसीजन डायरेक्टर, ये जो डिविडेंड डिसीजन है वो तो डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, लेकिन ये जो डिसीजन लेते मेंबर डायरेक्टर है पर अप्रूव करते हैं मेंबर्स, हर सब बाकी लोग अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। देखो मैं कंपनी इतनी आराम से इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि अगले साल आपको पूरा कंपनी में डेप्थ में जाना है। तो परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, और एग्जिस्टेंस मतलब सक्सेशन मतलब एग्जिस्टेंस। तो वो कह रहा है कि कंपनी लाइक ए रेलवे, एक रेल ट्रेन की तरह है कंपनी, कोई भी चले, जैसे एक ट्रेन चलनी है, मान लो कहाँ से चलनी है साहब, दिल्ली से चलनी है कन्याकुमारी तक, तो कोई चले कोई उतरे कंपनी ट्रेन को कोई मतलब नहीं है, उसे जाना है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। तो यही कंपनी का वो है पैरामीटर कि मैन मे कम मैन मे गो द कंपनी विल गो फॉर एवर, इवन सारे मर जाएंगे तब भी कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होगी। 7 मेंबर थे केवल और 7 के 7 मर गए, उनके जो लीगल हेयर थे दे बिकम द ओनर नॉट द मेंबर्स। डायरेक्टर पूछेंगे उनसे कि भाई आपको क्या डिसीजन है, आप बेच रहे हैं या तो शेयर बिक जाएंगे तो वो मेंबर बन जाएगा, नहीं बिकेंगे तो आप मेंबर बन जाओगे, लीगल हेयर बन जाएगा, तो मेंबर वहीं के वहीं आ जाएंगे। 6 महीने के अंदर आपको करना पड़ेगा ये काम, 6 महीने टाइम मिलता है और डेफिनेटली 6 महीने में डिसीजन हो जाता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन आ रहा है मुझे, क्वेश्चन आ रहा है, मैं लग रहा है आप लोगों की तरफ से? सर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से किसका होता है डिसीजन? एक मिनट सर, क्या कह रहे हैं आप सर? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से किसका डिसीजन होता है? नहीं समझ पाया, जोर से बोले थोड़ा सा। सर बीओडी की अगर डेथ होती है तो फिर किसका डिसीजन चलता है? बीओडी की सर अगर डेथ हो जाती है तो? अरे ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पहली बार सुना मैंने ये क्वेश्चन। डायरेक्टर कौन है? जस्ट लाइक एम्प्लॉय बोर्ड। नहीं बोर्ड मतलब जस्ट लाइक एम्प्लॉय बोर्ड, ये तो कल बात हुई थी, इंडिविजुअली कॉल्ड डायरेक्टर्स, कलेक्टिवली कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो फिर कौन लेता? डायरेक्टर को अपॉइंट करने का डिसीजन मेंबर का होता है मीटिंग में। AGM तक अगर वेट नहीं कर पाते हैं, जनरल मीटिंग बुलाते हैं बीच में, तो दैट इज कॉल्ड EGM, ये भी बताया मैंने। पूरा बोर्ड मर गया, भूकंप आया पूरा बोर्ड उड़ गया, तो वहां पर मेंबर डिसाइड करेंगे अगला बोर्ड में कौन कौन मेंबर है, कौन कौन डायरेक्टर बनेगा। कुछ अब रूल्स आ गए हैं, गवर्नमेंट के इंटरफेंस हो गए हैं, इसमें एक कंसेप्ट आ गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। जिस कंपनी में 100 करोड़ का ऊपर का टर्नओवर है उसमें 2 कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। 2 इंडिपेंडेंट मतलब होता है वो किसी रिश्ते नातेदार ना हो, कंपलसरी। और उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब क्वालिफिकेशन डाल दी है। पहले क्या करते थे, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना लिया, किसी को बना लिया, एक लॉ ने सो मत प्रगति, प्रगति सो मत नहीं
तो पहले क्या होता था कि कंपनी लॉ ने लिख दिया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, तो एक प्रधान ने क्या करा, अपने नौकर बना दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रिश्तेदार तो है ही नहीं, तो बोलेगा है नहीं मीटिंग में, तो जो मैं कहूंगा वही बोलेगा, तो फिर इंडिपेंडेंट कह रहा वो। तो अब उसके लिए प्रॉपर एग्जाम हो गया, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके अंदर कि वो इतना नॉलेज होनी चाहिए कंपनी लॉ की, तभी वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा, और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही वो एलिजिबल होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। तो शायद मैंने शेयर भी किया था, आई एम द सेकंड पर्सन ऑफ आगरा जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया था, क्योंकि ये एग्जाम टफ तो है ही नो डाउट, पूरी आपको डायरेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब मैं जैसे क्वालिफाई कर गया, तो अब मेरा नाम उनके पोर्टल पे आ गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रूप में, एमसी की साइट पर। तो जिन कंपनियों को डायरेक्टर चाहिए उनका नाम भी पोर्टल पे जाएगा, जिन डायरेक्टर जो लोग क्वालिफाइड है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए उनका नाम भी जाएगा, उनकी पूरी क्वालिफिकेशन जाएगी, उनका पूरा एक्सपीरियंस जाएगा, डाटा उसका शेयर होगा बायोडाटा। तो कंपनी सेलेक्ट कर लेगी कि हमें कैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, तो अब काम ट्रांसपेरेंसी से होगा। तीसरा पॉइंट था हमारा फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो इस टॉपिक में जो मैं आपको लिखवाया है हैंड रिटन वही सफिशिएंट है, फिर भी आप प्रिंटेड को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट। तो बात कर रहे थे हम बेटा फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी कि जैसे पार्टनरशिप में था, पार्टनरशिप में क्या था कि अगर कोई पार्टनर को शेयर ट्रांसफर करना है तो बाकी पार्टनर मना भी कर सकते हैं अपना शेयर ट्रांसफर करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि किसी को भी बेच सकते हो, इवन दाऊद इब्राहिम को भी बेच सकते हो। और सर का कॉल आ रहा है, इवन दाऊद इब्राहिम को भी तुम्हें शेयर बेचने बेच सकते हो, कोई आपसे मना नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, रेस्ट्रिक्शन ये हैं जैसे कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 200 होने चाहिए, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे प्राइवेट कंपनी में। सेक्शन 2 क्लॉज 68 कहता है कि एक प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। तो आप मान लीजिए कंपनी में 199 मेंबर है, 199, और जो 199 मेंबर है वो अपने शेयर तीन लोगों को बेचना चाहता है। अब जैसे ही वो तीनों को बेचेगा तो 199 में से एक कम हो जाएगा वो खुद, और तीन बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 201 हो जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकता, 200 से ज्यादा मेंबर अलाउड ही नहीं है, वो फॉर्म ही बेकार हो जाएगा ट्रांसफर फॉर्म। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। मैंने बताया कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी जैसे आर्टिफिशियल पर्सन है तो अपने नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, बेच सकती है, जस्ट लाइक ए अदर मेंबर। साइन कौन करता है, फिर साइन करते हैं उनके बिहाफ पर डायरेक्टर्स। तो हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े अभी तक, इट इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सेकंड सेपरेट लीगल एंटिटी, थर्ड लिमिटेड लायबिलिटी, फोर्थ परपेचुअल सक्सेशन, सिक्स फिफ्थ आ गया फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, और सिक्स आ गया कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। एग्रीड। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कैन सू एंड बी सूड। सू मतलब मुकदमा दायर करना, जब कंपनी को हम एक पर्सन मान रहे हैं भले ही आर्टिफिशियल मान रहे हैं, तो कंपनी अपने नाम से सूट फाइल भी कर सकती है, और कोई पर्सन बाहर का आदमी इसके ऊपर भी सूट फाइल कर सकता है। उसके लिए मेंबर या डायरेक्टर लाइबल नहीं होंगे, अगर कंपनी को सूट फाइल हो रहा है तो कंपनी को पनिशमेंट किया जाएगा, कंपनी को जेल नहीं हो सकती लेकिन कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है। जेल का देखिए, जेल का प्रॉब्लम नॉर्मली जब होता है जब कोई फ्रॉड करता है, क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, कंपनी थोड़ी कर रही है, कर कौन रहा है, डायरेक्टर कर रहे हैं या मेंबर कर रहे हैं, तो अगर जेल होगी तो डायरेक्टर मेंबर को होगी, लेकिन कंपनी से क्लेम लेना है तो उसके लिए कंपनी लाएगी। यहां तक क्लियर है बात मेरी, कोई कंफ्यूजन किसी को? नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का मैनेजमेंट कौन संभालता है, इन शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव। ओनर शेयर होल्डर है, रिप्रेजेंटेटिव कौन है, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो काम करते हैं दे आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव, कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं उन्हें, बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। लिमिटेशन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि क्रेडिटर को अगर सूट फाइल करना होगा तो वो किसके ऊपर करेंगे बेटा,
कंपनी के ऊपर करेंगे, शेयर होल्डर के ऊपर नहीं करेंगे, दिस इज अ लिमिटेशन. कौन कौन से पॉइंट हो गए फटाफट से रिवाइज करो, अभी 9 पॉइंट हुए हैं, हम दो रह गए, 9 पॉइंट हुए हैं. क्या पहले पढ़ा हमने, उससे पहले वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, थर्ड पॉइंट लिमिटेड लायबिलिटी, फोर्थ पॉइंट परपेचुअल सक्सेशन, फिफ्थ पॉइंट ट्रांसफर फ्री ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर, सिक्स्थ पॉइंट कैन सू एंड कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, सेवेंथ पॉइंट कैन सू एंड बी सूड, एट पॉइंट रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, नाइन पॉइंट लिमिटेशन ऑफ एक्शन. याद रहेंगे ये पॉइंट, ठीक है? यस सर. अब फॉलो कर आ गए तो हां जी क्या कह रहे हैं सागर? अरे भाई आपको जैसे पार्टनरशिप में किसी को सूट फाइल किया जाता है तो लायबल कौन होता है? पार्टनर्स होते हैं. लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता. कंपनी में अगर कोई सूट फाइल करा तो कंपनी लायबल होगी, उसके मेंबर लायबल नहीं होंगे, ना डायरेक्टर्स लायबल होंगे. और कंपनी अपने नाम से भी सूट फाइल कर सकती है किसी थर्ड पर्सन के ऊपर, कंपनी लायबल नहीं होगी. कौन लायबल नहीं होगी? कंपनी लायबल नहीं होगी. अरे कंपनी तो लायबल होगी भाई, कैसी बातें कर रहे हो? ये तो बता रहा हूँ मैं कि अगर कंपनी ही लायबल होगी, मेंबर्स या डायरेक्टर्स लायबल नहीं होते हैं. अच्छा, तुमने नहीं पढ़ी कभी कंपनी? आवाज नहीं आ रही. सौरभ सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. ठीक है सर, मुझे लग रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी. अच्छा आपको शेयर करनी है क्या स्क्रीन? यस सर. ठीक है, तो मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी थी. अब मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग जैसे मैं आप पोस्ट बनाऊंगा रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि मेरे सिस्टम पे हो रही थी. तो फिर सर आप रिकॉर्डिंग लगा देना है ना. ओके सर, बताता हूँ एक सेकंड. अभी देखते हैं सर रिकॉर्डिंग चल तो रही है मेरे सिस्टम. रिकॉर्डिंग एक सेकंड सर, हो रही है रिकॉर्डिंग? हाँ रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है सर. ठीक है, तो मेरे सिस्टम पे ही हो जाएगी, तो आप कंटिन्यू करिए. तो बस ये होगा ना, क्लाउड पे नहीं होगा तो मुझे भेज दूंगा बच्चों को मैं. ओके सर. दूसरा बच्चों, सर आपकी क्लास इवनिंग में है? सर है, आज सिलेबस बाइंड अप हो जाएगा बच्चों का. आज हो जाएगा बाइंड अप. क्या पोजीशन है सर, कौन कौन फेल हो रहा है? सर अभी तो कुछ नहीं कहूँगा, अभी तो टेस्ट लूंगा तब कहूँगा आपसे कुछ. बता दे, फेल की उम्मीद किसी की नहीं रहेगी. सर मुझे तो सागर, तीन लोगों की बड़ी दिक्कत हो रही, टेंशन हो रही है. सागर, प्रगति और ये शायद. यस सर, इनका रिजल्ट मैं और भी सब्जेक्ट्स का देख रहा हूँ, थोड़ा डाउन में ही है. मुझे बाकी लोगों का तो ठीक है, एवरेज है. अब ये भी, ये मतलब मेरे अपना असेसमेंट है, ये थोड़ी ना कि इंस्टीट्यूट का असेसमेंट हो. कल कोई आके मेरे झगड़ा करने बैठ जाएगा, अरे सर देखो वो फेल हो गया, आप हमारा नाम ले रहे थे. और देखो हम तो सर अभी भी कर रहे हैं मेहनत, प्रगति ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया सर. बहुत कम बचा है, अगर अभी जाग जाओ तो जाग जाओ. वो कहावत मैंने पहले ही बताई थी कि जो सो रहा हो उसे उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसे कोई नहीं उठा सकता, उसे सिर्फ भगवान उठा सकता है. ठीक है ना, तो इसलिए अभी जाग जाओ, बहुत जीवन बाकी है. जीवन में किसी नाम के सारे जीना है, किसी सम्मान के सारे जीना है, तो इसको क्वालिफाई कर लो. ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू. ओके सर. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था बच्चों? सब पूरा नहीं हो पाया था. पूरा नहीं हो पाया क्योंकि इवनिंग के बाद इतना टाइम नहीं मिलता कि मॉर्निंग में हम उसे रिकॉल कर पाए. लेकिन अब दिन में आप लोग सब रिकॉल कर लें, ठीक है बच्चों? ओके, चलिए आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ. यस स्टूडेंट, सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग की. चलिए अब सब ध्यान देंगे. एनवायरमेंटल स्कैनिंग, व्हाट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग? बच्चों ध्यान देना एनवायरमेंटल स्कैनिंग में. एनवायरमेंटल स्कैनिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस मॉनिटर देयर रेलिवेंट environment to identify opportunities and threat affecting their business for the purpose of taking strategic decision. कहने का मतलब ये है कि कोई भी company, कोई भी organization normally development के लिए क्या data maintain करती है, record maintain करती है, उनको proper read out करती है, उसे analyze करती है और उसके basis पे अपनी opportunity
और थ्रेड्स को पहचानती है कि हमारे लिए क्या चीज फायदेमंद है, कौन सी नुकसानदायक है, और उसके बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग। ओके बच्चों, दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। स्कैन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रीड करना, यस और नो। जैसे स्कैनर का काम क्या होता है बच्चों, कि कोई भी चीज होती है अगर, तो वो उसे रीड करती है, जो आपने बुक्स रखी हुई है उसको रीड करके उसकी फोटोस्टेट या प्रिंट आउट निकालना होता है, स्कैन। ऐसे एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक डाटा, हर एक इंफॉर्मेशन को रीड आउट करना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को पहचान सके। इज इट क्लियर? और उसके बेसिस पे, उन डाटास के बेसिस पे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके या फोरकास्ट कर सके कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में क्या करना है और कैसे उसे मैनेज करना है। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए, अब बच्चों ध्यान देंगे। स्कैनिंग मस्ट आइडेंटिफाई द थ्रेड्स एंड अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टिंग इन द एनवायरमेंट while strategy formulation and organization must have advantage of the opportunities and minimize the threat. Scanning करने से क्या है, आपकी business के अंदर या तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, आपकी या तो ताकत होती है या कोई कमजोरी होती है, yes or no students? हर एक person की या हर एक organization की अपनी खुद की ताकत होती है और एक कमजोरी होती है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी ताकत को पहचानना है और अपनी कमियों को कम से कम करना है, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके। अ थ्रेट फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन मे बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अनदर। एक की कमी दूसरे के लिए फायदेमंद हो सकती है बच्चों, ये बात मैंने कल कही थी आपसे बिजनेस में। यस सर। तो हमें अपनी वीकनेसेस को रिड्यूस करना है, जिससे कि सामने वाले को मौका नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। The factors which need to be considered for environmental scanning. Environmental scanning के लिए किस-किस factors की जरूरत होती है? That is events, trends, issues and expectation. इन चारों को mark कर लीजिएगा बच्चों. Factors of environmental scanning, that is events, trends, issues and expectations. ठीक है बच्चों? चलिए अब हम इन factors के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। इवेंट्स आर इम्पोर्टेंट एंड स्पेसिफिक अकरेंसेस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट एनवायरमेंटल सेक्टर्स। क्या चीजें होने जा रही हैं, हर एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो आपको इवेंट्स मालूम होने चाहिए, इंटरनली भी एक्सटर्नली, या अदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाह रही है उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन तभी फ्रेम्ड होगी बच्चों, तभी रन आउट हो सकती है, जब हम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी फोकस रखते हैं। इज इट क्लियर? ट्रेंड, ट्रेंड का बेसिकली क्या मतलब है बच्चों, जो एट प्रेजेंट चल रहा है मार्केट में, क्या सिमिलर एक्टिविटीज मूव ऑन कर रही है उसी डायरेक्शन में, यस और नो? अगर आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना है, अगर शॉपकीपर्स अपने गुड्स को अगर ऑनलाइन ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फायदेमंद की बात होगी बच्चों। yes,
थैंक यू सर। यस स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, हम लोग बात कर रहे थे इवेंट्स और ट्रेंड्स का, ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। लोग कर रहे हैं ना बच्चों? यस सर। पहले ध्यान देंगे सब लोग। ट्रेंड्स से बच्चों बेसिकली क्या मतलब है कि एट प्रेजेंट मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं और उसी के बेसिस पे, उसी डायरेक्शन में हम अपने बिजनेस को रन करते हैं। जैसे मैं आप लोगों से एक एग्जांपल की बात कर रहा था, नॉर्मली आजकल आप लोगों को मालूम है ऑनलाइन मार्केटिंग का बहुत ज्यादा जमाना है, लोग आजकल ऑनलाइन गुड्स ज्यादा परचेज कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू शॉप पे जाके इंडिविजुअली, यस और नो? अगर मैं अपने गुड्स को ऑनलाइन नहीं ला पाया तो क्या मैं मार्केट में ज्यादा स्टैंड कर पाऊंगा? नहीं, कहीं ना कहीं मेरी मार्केट क्या हो जाएगी, डे बाय डे डाउन होती चली जाएगी, ठीक है? तो ट्रेंड आर द जनरल टेंडेंसीज ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन अलोंग विद इवेंट्स टेक प्लेस। साथ में ट्रेंड के साथ साथ क्या होना चाहिए, इवेंट। ट्रेंड्स आर ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स दैट टेंड टू मूव इन अ गिवन डायरेक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीज इन स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, यूजुअली सजेस्ट अ पैटर्न ऑफ चेंज इन द पर्टिकुलर एरिया, ठीक है बच्चों? मैं बात कर रहा हूँ इश्यूज की। नॉर्मली ये सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करना मुश्किल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की उसकी डिफिकल्टीज क्या है, ठीक है? इमर्जिंग इश्यूज स्टार्ट विद अ वैल्यू शिफ्ट और अ चेंज इन हाउ इज इशू इज व्यूड। अब डिपेंड करता है कि आप उस गलती को, उस प्रॉब्लम को किस नजरिए से देखते हो, या उसे आप छोटा मानते हो या बड़ा मानते हो। बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि हम शुरुआत में उसे इग्नोर करते हैं, यार इससे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पता चला वही इशू वही प्रॉब्लम आगे जाके बच्चों बड़ी हो जाती है। यस और नो, समझ में आ गया बच्चों? यस सर। चलिए फिर ध्यान देंगे एक्सपेक्टेशंस पे। एक्सपेक्टेशंस क्या, एक्सपेक्टेशन आर द डिमांड मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप्स इन द लाइट ऑफ द कंसर्न ऑफ इशू। और एक्सपेक्टेशन जहाँ आपकी प्रॉब्लम थी, कहते हैं ना जहाँ प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन होता है उसका, यानी प्रॉब्लम जहाँ से शुरुआत होती है वहीं उसकी जड़ से उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी होता है। वहीं जहाँ इशू है वहीं से कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन भी उम्मीद जगती है कि हाँ अगर हम इस इशू को सॉर्ट आउट कर लेंगे तो शायद हमें फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ मिल सके। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए आप ध्यान देंगे आगे। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मैंने आप लोगों से कहा था बच्चों इसे पढ़ना है, इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी मैं सब नेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चों मैनेजर होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, यस और नो? दो लोग हो गए या नहीं, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ आपसे। इंटरनल एनवायरनमेंट में आपका बॉस हो गया, मैनेजर हो गया, या एम्प्लॉयज हो गए, या वर्कर्स हो गए, या सबऑर्डिनेट्स हो गए, जो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस के अंदर काम करते हैं, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट। अभी इसको और इलैबोरेट करूंगा बच्चों। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है बच्चों, बाहर के फैक्टर्स जैसे ऑपर्स हो गया, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था ना इंटरनल और एक्सटर्नल के बच्चों, तो वही चीज यहाँ रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है? इंटरनल एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल इवेंट्स एग्जिस्टिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो भी चीजें होंगी इंटरनल में वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगी बच्चों। अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इज इट क्लियर? और इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स मैनेजमेंट, करेंट एम्प्लॉयज एंड कॉरपोरेट कल्चर, यानी किस तरीके से क्या कल्चर है हमारे बिजनेस का उसके ऊपर फोकस होता है, वो कहलाता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट इज अ कंडीशंस
people, events and factors within an organization that influence its activities and choices, particularly the behavior of the employees. Normally, internal environment के अंदर हम behavior भी check करते हैं, employees का क्या है क्या नहीं, और उसके अंदर किसी भी business को form करने के लिए mission की जरूरत होती है, एक leadership quality होनी चाहिए और एक culture, एक work, working environment होना चाहिए, तब जाके आपका business run करता है बच्चों. ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस. चलिए अब बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की. एक्सटर्नल यानी कि बाहर. अ बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम, इट हैज एक्ट एंड रिएक्ट टू व्हाट हैपेंस आउटसाइड द फैक्ट्री एंड विद इन द ऑफिस वॉल, विद इज द ऑफिस वॉल. दीज फैक्टर्स दैट हैपन आउटसाइड द बिजनेस इज नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर्स. These are affected by the internal function of the business. कॉमन सी बात है, जो हम बिजनेस के अंदर decisions लेंगे बैठ के, उससे कहीं ना कहीं बाहर के फैक्टर्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, या बाहर के फैक्टर से हमारे इंटरनल फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ता है बच्चों? यस और नो? यस सर. तो यानी दोनों ही फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड है. ऐसा नहीं ये कहूंगा कि इंटरनल फैक्टर से बाहर के फैक्टर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा या बाहर से अंदर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों ही इफेक्ट डालती है. Is it clear, बच्चों? Yes, sir. अब external environment दो तरीके का होता है, एक होता माइक्रो इन्वायरमेंट, एक होता मैक्रो इन्वायरमेंट. आप लोगों ने वर्ड सुना होगा एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. यस और नो? पढ़ा है ना 11th 12th में? Yes. बहुत से बच्चों ने 12th में पढ़ा हुआ है, सीएससी में, सीबीएसई में 11th में माइक्रो पढ़ते हैं, 12th में मैक्रो पढ़ते हैं. यस. तो पहले सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे माइक्रो और मैक्रो की बात कर रहा हूँ. इन्वायरमेंट तो सबको मालूम है, माइक्रो का क्या मतलब होता है भूमिका? इंडिविजुअल लेवल पर. इंडिविजुअल लेवल पर. और इसी का मैक्रो का सर एग्रीगेट जो होता है, मतलब होल इकोनॉमी का. होल इकोनॉमी का जो एग्रीगेट होता है वो ठीक है, मैक्रो कहलाता है. माइक्रो एक तरीके से स्मॉल स्केल, स्मॉल हो गया, और मैक्रो हो गया लार्ज. अगर मैं आपसे माइक्रो मैक्रो को शॉर्ट में एक एक वर्ड में डिफाइन करूं, जब हम किसी एक की बात करते हैं, स्मॉल की बात करते हैं, दैट इज माइक्रो. और अगर हम उसी ग्रुप की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, दैट इज नोन एज मैक्रो. ओके बच्चों? कॉमन सी बात है, द एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कैन देयरफॉर बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑपरेटिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. कॉमन सी बात है, अभी मैंने स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात बार बार करते हुए आया हूँ, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेंथ मालूम होनी चाहिए, जिससे कि वो कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट कर सके मार्केट के अंदर. और वही अगर आपकी वीकनेस है तो उसे आपको इस तरीके से यूज करना है या इतना रिड्यूस करना है कि सामने वाला उसका फायदा ना उठा सके या उसको आपकी वीकनेस पता ना चले. ओके, देखो स्वेट एक तरीके से इसमें स्वेट के बारे में दे रखा है, SWOT. पहले स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेस हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गई, देन थ्रेट. थ्रेट ठीक है, क्या है पढ़ेंगे. अ स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स. मैंने क्या कहा, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ मालूम है तो आप कॉम्पिटिटर्स को हरा सकते हो. यस और नो? लेकिन वही अगर वीकनेस है तो अ वीकनेस इज अ इनहेरेंट लिमिटेशन और कॉन्स्टेंट विच क्रिएट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज. अगर आपकी कमी है तो कहीं ना कहीं इससे बिजनेस में आपको नुकसान भी हो सकता है बच्चों. ठीक है, आप सोचो कि मैं एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाता रहता हूँ, लेकिन आज मार्केट का ट्रेंड ऐसा है कि आप किसी भी, कहते ना कभी भी एक काम पे कभी भी निर्भर नहीं होना चाहिए इंसान को. क्यों? बाय चांस अगर वो कभी लाइफ में फेल होता है तो आपके पास दूसरा प्लान तैयार होना चाहिए या दूसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आप सरवाइव कर सको मार्केट में. इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी. कॉमन सी बात है, आप एक फेवरेबल कंडीशन में काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास अचानक से एक और, देखो लाइफ में कहते हैं मौके बार बार नहीं आते, एक या दो बार आते हैं, ये वर्ड आपने सुना होगा नॉर्मली. तो उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे ग्रैब करते हो, उसको कैसे अपनी ताकत बनाती हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है मार्केट में. एंड अपॉर्चुनिटी इज अ फेवरेबल कंडीशन,
in the organization environment which enables it to consolidate and strengthen its position. जिससे कि एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल गई तो आप मार्केट में ज्यादा लंबे समय तक स्टैंड कर सकोगे. जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ एन अपॉर्चुनिटी इज ग्रोइंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट अ कंपनी प्रोवाइड्स. अब कॉमन सी बात है, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा सेल नहीं कर पाए, यहाँ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, चलो थ्रेड की नहीं, अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है और अगर उस डिमांड को आप ज्यादा से ज्यादा फुलफिल कर सकते हो तो आप ग्रोथ हो गई या नहीं हो गई कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए. बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और थ्रेड क्या है? यस यस शायद अपॉर्चुनिटी क्लियर नहीं हो रहा. अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आई, एक मिनट में बताता हूँ शायद. वेट अ मिनट. देखो अपॉर्चुनिटी से मतलब क्या है, एक ऐसा मौका जो आपको आगे आपकी पोजीशन को मार्केट में और ज्यादा स्टैंड वो स्ट्रांग कर सकता हो, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी. कहते एक मौका, ठीक है, कहते या नहीं? अगर एक मौका मिला वो फेवरेबल कंडीशन है आपके लिए, लेकिन अगर एक मौका नहीं मिला दैट इज अनफेवरेबल. अब बात कर रहा हूं थ्रेट की, आपकी कमी. A threat is an unfavorable condition in the organization environment which creates a risk. अब इससे क्या है, आपको नुकसान हो सकता है. आपकी जो threat है, आपकी जो कमी है, उसका फायदा competitor अगर उठा लेता है तो इससे आपको काफी नुकसान होगा या नहीं होगा organization के अंदर? तो वो चीज आपकी कहलाती है threat, ठीक है. अब इसी चीज को उन्होंने SWOT को दोबारा से बता दिया है. SWOT, S से strength, W से weakness, O से opportunity, T से threat. ठीक है बच्चों, वही चीज मैंने जो आपसे यहाँ डिस्कस करी थी उसी चीज को इन लोगों ने यहाँ कर दिया है. अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, यूजिंग स्ट्रेंथ मिनिमाइज इम्पैक्ट ऑफ वीकनेस, जो आपकी कमी है उसको कम करो, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो, और जो अपनी थ्रेट्स है उसको न्यूट्रलाइज करो, यानी कि कम करो, न्यूट्रलाइजिंग, ठीक है, जिससे सामने वाला उसका फायदा ना उठा सके. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं बच्चों, इसलिए ये पैराग्राफ एक बार आप चाहो तो यही रीड आउट कर लो सब लोग, स्वेट वाला नहीं तो पॉइंट वही है बार बार. बच्चों बहुत सी बार क्या होता है, जैसे ये दे रखा है स्वेट सेकंड लाइन में, yes, sir. इसका स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, बहुत सी बार क्या होगा स्ट्रेंथ से कुछ और वर्ड देखिए, चारों नाम देखिए, चार डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बना देंगे आपके सामने. एक जगह स्ट्रेंथ लिख देंगे तो एक जगह वीकनेस की जगह विलनेस लिख देंगे, स्ट्रेंथ विलनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, समझ रहे हो ना? या उनमें से इंडिविजुअल वो मीनिंग ना पूछिए, चारों की वो फुल फॉर्म्स भी पूछ सकते हैं. इसे चलिए सब लोग रीड कर लें. पढ़ लिया बच्चों? यस सर. चलिए आगे चलेंगे. माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, कॉमन सी बात है. देखो माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आपके मैक्रो एनवायरनमेंट के पार्ट कहलाते हैं. क्यों? ध्यान देंगे. नॉर्मली एनवायरनमेंट क्या कंसिस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स अफेक्टिंग द बिजनेस. एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आती हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं. बिजनेस को इफेक्ट करती हैं दो चीजें, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट. फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द फर्म, जिससे कि रोज की रोज आपके बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है फंक्शनिंग करते समय, वो आपके कहलाते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, दैट इज स्ट्रेंथ और वीकनेस. लेकिन जो कहीं ना कहीं फैक्टर्स डिसाइड द ओवरऑल डायरेक्शन थिंकिंग ऑफ अ फर्म, जो ओवरऑल डायरेक्शन की बात कर रही है बच्चों, डे टू डे की बात कर रहा है, ये ओवरऑल की बात कर रहा है, तो वो आती है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट. सर वीकनेस का मतलब भी कमजोरी है, थ्रेट का मतलब भी, अपॉर्चुनिटी मतलब स्ट्रेंथ मतलब, तो ये चीजें समझ में नहीं आई बेटा. इसीलिए
इसे डिवाइड किया गया माइक्रो और मैक्रो में. माइक्रो होता है इंडिविजुअल बेसिस पे, डे टू डे आप अपनी ताकत को अगर पहचानते जाओगे रोज सुबह उठ के तो आप अपने गोल को अचीव करते हो. और अपॉर्चुनिटी क्या है, एक बार मिलती है, मैंने क्या जो लाइफ टाइम आपको फायदा देगी. यस और नो. वीकनेस क्या है, रोज आपकी आज आपके स्टाफ में मेंबर नहीं आया, आपको रिसोर्सेज नहीं मिले, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कमजोर है आपकी, या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स नहीं आ रहे, हड़ताल हो गई, तो दैट इज वीकनेस. लेकिन थ्रेट क्या है, आपकी कमी एक दिन में तो सॉल्व नहीं हो रही, आपकी बिजनेस की कमी एक बार सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन उसी एक कमी को अगर सामने वाले ने यूज कर लिया तो इससे आपको लाइफ टाइम इफेक्ट पड़ेगा या नहीं. बच्चों बात समझ रहे हो मेरी? इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंस है, अदरवाइज वीकनेस थ्रेट का तो मतलब वही आता है सर, अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथ का भी, लेकिन स्लाइटली चेंज है इन लोगों के मीनिंग में. ठीक है, आ जाइए बच्चों. द एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू माइक्रो एनवायरमेंट एंड मैक्रो एनवायरमेंट. माइक्रो एनवायरमेंट में क्या क्या है बच्चों, ध्यान देंगे. माइक्रो एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू स्मॉल एरिया और इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, माइक्रो एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली. इसे मार्क कर लो बच्चों, यहाँ माइक्रो एनवायरमेंट के नीचे अंडरलाइन करो. एक मिनट रुकना. वेट अ मिनट. माइक्रो एनवायरनमेंट और रेगुलरली एंड डायरेक्टली कर लो इसे. ठीक है, within the micro or immediate environment in which a firm operates we need to address the following issues. kin cheezon ka hame dhyan rakhna hai, the employees of the firm, their characteristics and how they are organized, the customers based on which the firm relies of for business, the way in which the firm can raise its finance, kaise wo finance ikattha kar rahe hain customers ka, wo business ke upar business se kya chahte hain, और एम्प्लॉयज का क्या क्या नेचर है कि क्या वो देखो. अगर कोई पर्सन फाइनेंस में अच्छा है लेकिन अगर उसे मैं सेल्स मार्केटिंग में डाल दूं तो क्या वो अच्छा एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा? नो सर, नहीं कर पाएगा. तो उनका उनका नेचर पता होना, उनके करेक्टरिस्टिक्स यानी उनके पॉइंट्स क्या अच्छे हैं, जिस हिसाब से मैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. Who are the firm's suppliers and how are the links between the two being developed, the local community within which the firm operates, the direct competition and how they perform. ठीक है बच्चों, माइक्रो में डिफरेंट डिफरेंट अभी हमने पढ़े. माइक्रो के अंदर कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स लाई करते हैं. बच्चों इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये माइक्रो के अंदर पॉइंट्स आ जाएंगे कि माइक्रो में क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं. कंज्यूमर क्या है, वन हु पेज टू एक्वायर द प्रोडक्ट. ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसमें एक ओनर एम्प्लॉयज होते हैं. ठीक है, मार्केट में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपका प्राइस. किसी भी गुड्स के लिए मार्केट में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो प्राइस करता है. तभी वर्ड यूज लिखा है प्राइस सेंसिटिविटी, मार्केट मैच्योरिटी, आप कितने लंबे समय के लिए रहते हो या उस कॉस्ट को निकाल, जो वो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है बच्चों, नहीं आ रहा हो समझ में प्लीज दोबारा बोल दो मुझे. एनीवन? सर आ रहा है. ओके, इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं, जो नॉर्मली दो जनों को जोड़ने का काम करते हैं. One who act as a bridge between the manufacturer and the marketer. Competitors kya hai? Other entities that compete for resources as well as market. Suppliers, supplies with their bargaining power affect the cost structure. ठीक है,
बच्चों माइक्रो में क्या क्या चीज आती है, कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। देयर आर टोटल 6 एलिमेंट्स इन माइक्रो। ठीक है बेटा, मैक्रो कैसा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। माइक्रो होता है स्मॉल, तो छोटा हो गया, और मैक्रो कैसा हो गया, बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर। यहाँ जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है उसकी, और लीगल बेसिस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, दैट इज मैक्रो एनवायरमेंट। ध्यान देंगे सब लोग, मैक्रो एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल ट्रेंड्स एक्सेट्रा। दिस कंस्टिट्यूट द जनरल एनवायरमेंट विच अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑल द फर्म्स। इससे इफेक्ट खाली एक ऑर्गेनाइजेशन पे या एक बेसिस पे नहीं पड़ेगा, इसमें बच्चों इफेक्ट जो पड़ता है वो ऑल फर्म्स पे पड़ता है, दैट इज मैक्रो एनवायरमेंट। इज इट क्लियर और नॉट? डेमोग्राफिक, क्या पॉपुलेशन है, क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉलिटिकल, क्या इंटरेस्ट रेट है, ये डिस्पोजेबल इनकम अब आपके लेवल से हट चुकी है। बच्चों आप लोगों ने 12th में नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ा था? Yes, sir. आपने उसमें इनकम मेथड पढ़ा, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम अब आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका था। जब हम लोग 11th 12th पढ़ते थे इन 2009 बच्चों, तब उस टाइम पे हम डिस्पोजेबल इनकम, नेट डिस्पोजेबल इनकम भी पढ़ते थे, या प्राइवेट पब्लिक इनकम भी पढ़ते थे। ठीक है, जो अब आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका था। सोशल फैक्टर्स क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस हैं, अगर मैं टेक्नोलॉजी में चेंज कर रहा हूँ तो इट में भी मेरे लिए फायदेमंद है, दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर सामने वाला अगर नई टेक्नोलॉजी ले आया तो क्या मैं मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंड कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज में चेंज कर दिया या नए लॉस जनरेट कर दिए, जैसे GST कर दिया था। आप लोगों को मालूम हो बच्चों, हाँ सेल टैक्स वगैरह होते थे पहले, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, अदर टैक्सेस होते थे। तो जब हम लोग, जब मैं CA कर रहा था बेटा, फर्स्ट ग्रुप CBT पास करने के बाद, तो उसमें जब हम लोग पढ़ते थे तभी वेट आके इम्प्लीमेंट हुआ था। वैट जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो करीबन 2010 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ था। तो हम लोग जो पढ़ते थे वो CST और वो सॉरी एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस पढ़ते थे, जो 20 रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ एक बन गए थे, दैट इज वैट। सॉरी 28 टैक्सेस विल बी एग्जेम्प्टेड, वो सॉरी हैज बीन रिड्यूस्ड, और उसकी जगह किसने ले ली थी, एक ने। तो फिर हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी बाद में, क्यों, हमने स्टडीज करी थी डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस, और अब जब प्रैक्टिकल की बात आ रही थी ट्रेनिंग की, तब उसमें हम प्रैक्टिस कर रहे थे वेट की, समझ रहे हो। तो लीगल इश्यूज भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऐसे ये मार्केट में करते हैं। पता चला हम लोग सिंपल टैक्सेशन करते आ रहे थे वेट के थ्रू, लेकिन जैसे ही GST एप्लीकेबल हुआ तो बिजनेसेस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, या नहीं बच्चों? तो वो चीज है, ग्लोबल चेंज इन द वर्ल्ड लेवल पॉलिटिकल क्लाइमेट एज वेल एज एनवायरमेंटल इश्यूज। चलिए एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट, अब इन्हीं सारे एलिमेंट्स की जिसकी मैं बात आपसे कर रहा था, अब उनको एक एक करके यहां पढ़ेंगे। कंज्यूमर या कस्टमर्स, ठीक है, कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस बताया था ना मैंने बच्चों आप लोगों को? यस सर। द पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स इज नोन एज कंज्यूमर, द पर्सन हु परचेज द गुड्स फ्रॉम द मार्केट इज नोन एज कस्टमर। ठीक है, फिर बच्चों एक लाइन और ध्यान देंगे सब लोग, मैंने एक चीज और कही थी, कस्टमर मे और मे बी नॉट अ कंज्यूमर, कस्टमर कंज्यूमर हो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है ऑलवेज, यस और नो, कहा था बच्चों? कंज्यूमर हमेशा, देखो अभी एक मिनट रुकिएगा, ये लास्ट में लाइन दे रखी है, यस यस और नो? यस सर। बेटा कस्टमर मे और मे नॉट बी अ कंज्यूमर, इसे मार्क कर लेंगे।
ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यस आगे कस्टमर में और मे नॉट बी अ कंज्यूमर। कंज्यूमर इज द वन हु अल्टीमेटली कंज्यूम्स और यूजेस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। कंज्यूमर कौन है? एक वो पर्सन है जो गुड्स और सर्विस कंज्यूम करता है, जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, अब ध्यान देंगे। अ फादर में बाय अ प्रोडक्ट, ये आप लोगों को एग्जांपल से समझा चुका हूं बच्चों कि फादर आपके लिए गिफ्ट खरीद के लाते हैं, तो दुकानदार के लिए कस्टमर वो हुए, लेकिन आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कंज्यूमर हुए। ठीक है, द पर्सन हु कंज्यूम गुड्स। हाँ, उस केस में अगर डैडी कोई शर्ट परचेस करके लाए थे, शॉपकीपर के लिए कस्टमर वो थे, लेकिन वही शर्ट अपने लिए लेकर आ रहे, देन इट देन फादर इज बिकम अ कंज्यूमर ऑल्सो। उस केस में वो कंज्यूमर हो जाएंगे, लेकिन वो शर्ट अगर कोई और गिफ्ट किसी और को दी जाती है और वो इस्तेमाल करता है, देन दैट पर्सन विल बिकम अ कंज्यूमर। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करता हूँ कॉम्पिटिटर की। कॉम्पिटिटर वही बार बार बात हो रही है, सेम बिजनेस हो, आपके जैसा मिलता जुलता बिजनेस हो, वही कॉम्पिटिटर कहलाएगा। ये बताओ, एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए, एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए क्या ऑटो जो गाड़ी वगैरह बनाती है, क्या उसके लिए अगर कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, क्या वो कॉम्पिटिटर होगी? नो। कॉम्पिटिटर क्या होगी? जो सेम फील्ड में वर्क करती है। जैसे अगर मैं शैम्पू की बात कर रहा हूँ तो हेड एंड शोल्डर वाला हो गया और डव वाला हो गया, यस और नो, या क्लिनिक प्लस, तो ये कॉम्पिटिटर्स कहलाएंगे जिनका ऑब्जेक्ट क्या है, सेम होता है। इज इट क्लियर? गुड, सेम होता है। कॉम्पिटिटर आर द अदर बिजनेस एंटिटीज दैट कम्पीट फॉर रिसोर्सेज एज वेल एज मार्केट। बच्चों इसे मार्क कर लीजिएगा कॉम्पिटिटर्स वाली लाइन को। ठीक है, फिर कॉम्पिटिशन शेप्स बिजनेस, स्टडी ऑफ कॉम्पिटिशन सिनेरियो इज एसेंशियल फॉर द मार्केट। वही चीज है, मैंने आप लोगों को यहाँ बता दी। अरे वाह, चीटिंग हो गई बेटा, इन्होंने भी शैम्पू को ही मार्केट वो दे रखा एग्जांपल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इंटरेस्ट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, किसी को कोई चीज चाहिए तो किसी को कोई और सब लोग अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बिजनेस रन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं। हर एक का अपना डिफरेंट ऑब्जेक्टिव या अपना गोल डिफरेंट होता है, अपने अपने रिसोर्सेज अलग होती हैं। यस और नो? यस। नहीं समझ में आया? देखो बच्चों, इन मैक्रो माइक्रो एनवायरनमेंट एनालिसिस नथिंग इज इम्पॉर्टेंट एज सेल्फ एनालिसिस ऑफ बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। जब तक हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप खुद की कमी या अपनी कमजोरी नहीं पहचानेगी, अपनी कैपेबिलिटीज नहीं पहचानेगी, क्या वो आगे अपने गोल को अचीव कर पाएगी, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी? नहीं। अंडरस्टैंडिंग इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर बिजनेस, दैट इज अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस इन डेप्थ, should be the goal of firm's internal analysis. The objective, goal, resources, availability of a firm occupy a certain position in the micro environment. ठीक है? We have met the enemy and he is us. यानी हम enemy से मिले और enemy कौन है? हम ही हैं। अगर हम अपनी कमियों को लुकआउट नहीं करते हैं, अगर अपनी कमियों को ही छुपाते हैं, तो हमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। आप लोगों ने ये वर्ड अपने मम्मी पापा से जरूर सुना होगा। बेटा जो भी आप कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अल्टीमेटली आप ही का नुकसान है, हमारा कुछ नहीं, ये सुना होगा वर्ड, कॉमन है, इवन बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, इवन हर एक टीचर कहता है, हर एक घर का मेंबर कहता है, ये एक तरीके से हमारी पार्ट का हिस्सा बन जाता है जब तक हम स्टडीज करते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है, ये चीज़ हमारे साथ भी होती थी। ठीक है,
चलिए अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन होता है, मालिक होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और एम्प्लॉयज होते हैं, ये तीनों चीजें बताइए मैंने आपको बच्चों। चलिए अब बात करते हैं मार्केट की, क्योंकि देखो अब ये जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ ओवरऑल आपको सबका मीनिंग मैं शुरुआत में बता चुका हूँ समवॉट, या आप लोगों को पता है इन सब के बारे में, तभी मैंने आपसे कहा था बच्चों एक बार रीड करना, कहा था ना। यस सर। आज इसके बाद वाला टॉपिक आप लोग रीड करके रखेंगे जो थोड़ा बहुत रह जाएगा, ठीक है। द मार्केट इज लार्जर देन कस्टमर, कस्टमर से बड़ा है मार्केट, इसे मार्क कर लो। यस गरिमा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? गरिमा सबको वॉइस आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। ओके चलिए एक मिनट रुकना बच्चों, मार्केट ये लाइन मार्क कर ली, द मार्केट इज लार्जर देन कस्टमर्स, फिर आगे बढ़ते हैं। द मार्केट इज टू बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्चुअल एंड पोटेंशियल साइज, इट्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड ऑल्सो इट्स अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है मार्केट के वो क्या है ध्यान देंगे, कॉस्ट स्ट्रक्चर, प्राइस सेंसिटिविटी, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, उसका मैन द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है और मार्केट कब तक रहेगा, यानी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है ना वो कहलाती है। इज द मार्केट मैच्योर, क्या अभी ये सही समय है इन्वेस्टमेंट का या मार्केट में गुड्स बेचने का, जैसे राइट नाउ अगर अब मैं बात करूँ आप लोगों से, ड्यू टू कोरोना पॉज से नए बिजनेस ओपन करने से या नए नए इनोवेटिव बिजनेस ओपन हो रहे हैं बच्चों, क्यों? मैंने आपको बताया था मोर देन या अप्रोक्स 2 करोड़ पीपल आर अनएम्प्लॉयड ड्यू टू कोरोना, दिस एपिडेमिक कंडीशंस की वजह से 2 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है हमारे देश में। तो बेटा 2 करोड़ का रेशियो आप हिसाब लगा कितना इफेक्ट पड़ेगा, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, करीबन करीबन 8 से 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, क्यों? हर एक व्यक्ति की कमाने से परिवार के 4 लोगों का पेट भरता है, कॉमन सी बात है, यही होती है उसमें। अब ये सोचो 2 करोड़ लोग अगर जॉब से विड्रॉल होते हैं, वैकेंट होते हैं, तो करीबन करीबन ये सोचो 8 से 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए या उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। हाँ वो है कि वो कुछ ना कुछ अदर वर्क करेंगे, ऐसा नहीं कि वैकेंट बैठेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ेगा। आप लोगों ने अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर पढ़ा था बच्चों, जीडीपी के रिगार्डिंग आप लोगों को एक पॉइंट पता है आज की डेट का नया? -23.5% यानी जो चीज पहले अप्रोच जो जीडीपी हमारी 7-8% थी हमारी देश की, आज -23% हो गई। -23% का मतलब हो गया 30% की गिरावट। बेटा 23% की नहीं, 7% तो वो फायदा प्लस 23% जो गिर गई, तो करीबन करीबन 30% जीडीपी डिक्रीज हो गई। और 30% जीडीपी डिक्रीज होने का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि इकोनॉमी की हालत क्या होगी, ठीक है। चलिए अब ध्यान देंगे, सप्लायर्स, सप्लायर्स फॉर्म अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट, सर्विसेज एंड सो ऑन। लार्ज कंपनीज रिलाय ऑन हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स टू मेंटेन देयर प्रोडक्ट, सप्लायर्स विद देयर ओन बार्गेनिंग पावर affect
the cost structure in of the industry. They constitute a major force which shapes the competition in the industry. बच्चो ये reality bite पड़े हो सब लोग आप. सर क्या पढ़ना है? रियलिटी बाइट बेटा, रियलिटी बाइट. पढ़ लिया? यस सर. ओके प्रगति, क्या समझ में आया? सर इसमें ये लिखा हुआ है कि जो मतलब जैसे कि बिस्किट का एग्जांपल लिया है, तो उसमें जब उसकी कंपनी देखेंगे तो जो कंपनी बिस्किट एक्चुअली बनाती है वो अलग होती है, और जो उसकी मार्केटिंग करती है वो एक्चुअली डिफरेंट कंपनी होती है. बिल्कुल, जिसे कहते हैं आउटसोर्सिंग. बेटा आउटसोर्सिंग का मतलब मालूम है? कि आप अपना काम किसी और से कराते हो, वो कहलाता है आउटसोर्सिंग. जैसे आप लोगों को मालूम है वर्ल्ड में इंडिया कंट्री जो है वो आउटसोर्सिंग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ चीपर रेट पे लेबर्स मिल जाती है. लेबर से मतलब एम्प्लॉयज मिल जाते हैं, एम्प्लॉयर्स. ठीक है, प्लस कहीं ना कहीं यहाँ जो वैरायटीज ऑफ या एफिशिएंसी है वर्कर्स की वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज. वर्क एफिशिएंट बहुत ज्यादा है इंडियंस इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज. नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनीज ज्यादातर इंडियंस को अडॉप्ट हायर करना चाहती हैं, जिससे कि वो बिजनेस में स्टैंड कर सकें ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, बच्चों इंटरमीडिएटरीज कौन है? जो कहीं ना कहीं दो जनों को जोड़ने का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरर और बायर को. बच्चों यहां से मार्क कर लेना, मैन्युफैक्चरर. एक मिनट रुकिएगा. मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट दे बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द लोकल रिटेलर्स, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ऑनलाइन स्टोर्स that are increasingly becoming popular. ठीक है? Yes sir. Yes sir. Is it clear बच्चों? Yes sir. देखो बच्चों, elements of macro environment इसे आप लोग पहले से read कर लेना. ठीक है, क्योंकि इसमें as such कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मालूम होना. ठीक है? Yes sir. और बाकी ये सब के बारे में हम लोग इवनिंग में डिस्कशन करेंगे बच्चों, और इवनिंग में आज ये चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा. ठीक है, चलिए. और किसी को कुछ पूछना है? पक्का? चलिए, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स. बस पेस्टले एनालिसिस है बच्चों, पेस्टले पेज नंबर 26 पर होगा, 25 या 26 पे. इसको पहले ही रीड मत करना, इससे पहले आप इजीली रीड आउट कर लो, आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी. जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी वो पेस्टले एनालिसिस से आएंगी, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा. ठीक है, ओके सर. बाकी की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि बाय एंड अपने आप इसे रिकॉल करने की कोशिश करें पेस्टले एनालिसिस से पहले मैक्रो एनवायरनमेंट को. ठीक है, और चीज समझ में भी आएंगी आपको, नो डाउट. ठीक है, चलिए, टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे. और कोई क्लास है इसके बाद आपकी? नो सर. खुशी आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो सर, आज बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हूँ ना, तो जब वहाँ पे जाते तो हो जाता है. ओके ओके.